गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम मैंने क्यूमुलेटिव ए पार्ट कंप्लीट करा दिया था, आज हम स्टार्ट करते हैं क्यूमुलेटिव का बी पार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राजू वाइज एन आर्टिकल एंड राजू ने एक आर्टिकल किया परचेज किया, ठीक है, एंड सेल्स उसको बेच दिया टू रामू। पहले क्या किया राजू ने, एक आर्टिकल मान लो कोई टॉय क्या मान लीजिए बंदूक या कोई भी चीज परचेज की, उसको बाद में रामू को बेच दिया। बेचने पे उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट हुआ। राजू ने चीज खरीदी, उसे रामू को बेच दिया, 25% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। रामू सेल्स, रामू क्या दोबारा वही आर्टिकल किसी और को बेच देता है, किसको बेच देता है, दिनेश को बेच देता है। राजू ने खरीदा, रामू को बेचा, रामू ने खरीदा राजू से, किसको बेचा, दिनेश को, तो कितने का प्रॉफिट होता है, 20% का। तो हाउ मच मनी डिड राजू पे फॉर द आर्टिकल, तो हमें निकालना है कि राजू ने कितनी मनी में आर्टिकल खरीदा और फिर दिनेश ने राजू से कितने रुपए में आर्टिकल खरीदा, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाउ मच मनी डिड राजू पे फॉर द आर्टिकल ऑफ, ठीक है, एंड इफ दिनेश पे 360, और राजू ने दिनेश को बेचा और दिनेश से कितना खरीदा, 360 में खरीदा, 360 रुपए पे किया, तो उसको निकालना है टोटल मनी कितनी, ठीक है, राजू की टोटल मनी निकालना। तो लिख लेते हैं, लेट लिखेंगे, लेट लिखेंगे, लेट सोल्यूशन देखिए, लिखिए लेट राजू का खरीदा ना वॉइस एंड आर्टिकल कितने कॉस्ट करता है, रुपीज एक्स, एक्स रुपीज में क्या करता है वो खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है, एक्स रुपए में खरीदता है। तो के निकालना वो बिग है, 25% में उसको क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है, कितना होता है प्रॉफिट, ही सेल्स टू रामू, जब रामू को बेचता है तो प्रॉफिट कितना होता है, 25% का लिखते हैं, लिखेंगे ही सेल्स टू रामू, ठीक है, एट अ प्रॉफिट कितना होता है प्रॉफिट, 25% का उसको प्रॉफिट होता है। तो हमें इसका प्रॉफिट निकालो कितना होगा, तो प्रॉफिट कितना निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा प्रॉफिट, निकलेगा x ऑफ 25%, मतलब 25% ऑफ x या x ऑफ 25%, एक ही बात है, ठीक है, समझ में आ गया, ये लिख लो 25% ऑफ x, लिख लो 25% ऑफ x, इस पे क्या होगा, इसको प्रॉफिट होगा, तो हम चेंज कर देंगे 25/100 into x, तो 25/100 x/4 प्रॉफिट सीपी माइनस प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या निकाला था मैंने, प्रॉफिट होता है सीपी माइनस एसपी, तो यहां से एसपी आ जाएगा, सीपी माइनस प्रॉफिट, ये तो हो जाएगा, तो निकाल दो। तो पहले कितने रुपए था हमारे पास, 120 था, ठीक है, अब कितना निकल आया हमारे पास, एक्स अपॉन फोर निकल आया, कितना आ गया 4x + x / 4x + x / 4, कितना रुपीज निकल रहा है 5x/4, इतने रुपीज में क्या किया राजू ने आर्टिकल परचेज किया। अब इतने, अब उसने इसके उसको बात क्या, दिनेश को रामू को भेज दिया, रामू को भेज दिया, लिखेंगे रामू वाइज, रामू वाइज एन आर्टिकल ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ कितने में खरीदेगा वो, रुपीज 5x/4, इतने उसको खरीदिए, इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट कराता हूँ आगे। ये रखा था, इतना नोट कर लीजिए, देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, अब ये क्या किया इतने इतने में खरीद लिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ इसका, रामू कितना, अब ये इतना खरीदे रामू ने, अब रामू ने क्या कितना बेच दिया, दिनेश को बेच दिया 25% में बेच दिया, रामू ने दिनेश को 25% में बेच दिया, तो थोड़ी है थोड़ी, इधर लिखो ई सेल्स टू, ई सेल्स
20% प्रॉफिट मिल जी। अब वही निकालो प्रॉफिट निकालो तो फटाफट किस एलिमेंट निकालेंगे, अब इसका निकालेंगे प्रॉफिट, वही 20% ऑफ कितने का 5x/4 तो जाएगा 20/100 इंटू 5x/4 4 × 4 = 4, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 4 तो कितना आ गया x/4, ये भी आया हमारे पास, ये भी x/4 आया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस का भी निकालो तो सेलिंग प्राइस कितना जाएगा, कितना था पहले 5x/4, अब कितना हो गया x/4, जल्दी सॉल्व कीजिए कितना जाएगा ये 6x/4, 2 × 2 = 3x/2 रुपीस आगे किसका, दिनेश का, दिनेश ने इतने में क्या बेच दिया। अब दिनेश ने खरीद था कितने रुपए में दिए 360, तो इसके रुपए दिनेश के इक्वल रख देंगे तो राजू के अमाउंट यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करो, उसके बाद जल्दी से नोट कर लीजिए, दिनेश ने कितना लिखेंगे, दिनेश वाइज एन आर्टिकल कितना में खरीद लिया उसने, दिनेश ने कितने रुपीज में खरीद लिया। ठीक है, कितने रुपीज हमारे पास, दिनेश है 360, तो 360 = 3x/2 तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो जाएगा ये 3 × 3 = 3, कितना आया 120 = x/2 तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, इसके बाद x कितना जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 240, तो 240 रुपीज, तो x कितना आया हमारा 240 रुपीज आ गया। तो राहुल जी ने कितने में परचेज किया था आर्टिकल, 240 में। ठीक है, 240 रुपीज में लिखो, हैंस इतना लिखिए, ये रफ्फा करो जल्दी से, समझ में आया बेटा। पहले हमने क्या किया, राजू का निकाला कितना परचेस किया, फिर रामू के इक्वल रख दिया प्रॉफिट, फिर हमने क्या किया रामू का दिनेश के इक्वल रख दिया, सॉल्व करके हमारा आंसर लिख दिया आगे हैं, इसके बाद लिखना लास्ट में ये आंसर आया। ठीक है, लिखो हैं राजू वाइज एन आर्टिकल बिल कितना खरीदे हैं, बिल 240 रुपीज, 240 रुपीज में वो खरीदेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये लिखेंगे राजू वाइज एन आर्टिकल बिल इतने, या राजू पे लिख दो खरीदेगा, पे भी लिख दो, पे कितना करेगा, राजू पे फॉर द आर्टिकल एन आर्टिकल बिल 240 रुपीज। सही है, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, ये नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रफ कर दे रहा हूँ, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड, फर्स्ट हो गया कंप्लीट, सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 2 मई का प्रॉफिट, 2 मई का प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%, कोई भी हमने आर्टिकल परचेस किया है, बाइसाइकिल परचेस की है तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ है 33 1/3%, बाइसाइकिल मस्ट बी सोल्ड, जब इसको बेचा गया तो कितने रुपीज में, 2400 रुपीज में इसको बेचा गया, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाई साइकिल, तो कॉस्ट प्राइस निकालना, तो लिखते लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाई साइकिल, लेट द सीपी ऑफ बाई साइकिल कितना मान लिया, 120 मान लिया, सीपी ऑफ बाई साइकिल मान लिया 120, स्पेलिंग सही कर लो बेटा, BICYCL बाई साइकिल इतना होगी। ठीक है, फिर हमने प्रॉफिट कितना दिया, उन्होंने कितना है प्रॉफिट कितना हुआ है 33 1/3% ऑफ x का, सॉल्व कर दो 3900/3 × x तो हो गया हमारा 100x/3, ये इतने रुपीस का क्या हो गया हमें प्रॉफिट हो गया।
ठीक है बेटा, 100 अपॉन 3 इंटू परसेंट का साइन को हमने हटाया नहीं, इंटू परसेंट का साइन हटाते कितना आएगा 100 आएगा, इंटू 100 तो ये होगा था इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल ना है, x अपॉन 3 रुपीस का हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना हमें, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, सेलिंग प्राइस दिया है 2400 रुपीस दिया है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लो, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, पहले रुपीस x था, प्रॉफिट होने के बाद कितने रुपीज होगी, x अपॉन 3 हो गया 3x प्लस x अपॉन 3, 4x अपॉन 3 का हमारे पास क्या होगी इसकी सेलिंग प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना दिया 2400 दिया है, तो लिख लो इसका सेलिंग प्राइस दिया 2400 इक्वल टू 4x अपॉन 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 × 4 = 600, तो x इक्वल टू 600 इनटू 3, तो x कितना आ गया 1800 रुपीस आ गया, तो हमारे पे आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो गई, कितने में हमने क्या करेंगे पे करेंगे 1800 रुपए से पे करेंगे, लिख दो सीपी ऑफ वाई साइकिल, हैंस सीपी ऑफ वाई साइकिल 1800, यही हमारा आंसर है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रॉफिट ऑफ एन डिनर सेट इज 35%, ए डिनर सेट परचेस किया उसको 35% का प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस इसकी निकालना है, इफ द प्रॉफिट इज 280 रुपीज, अगर कॉस्ट प्राइस कितना प्रॉफिट कितना होता है 280 रुपीज होता है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, लिख दो लेट करके लेट, थर्ड क्वेश्चन है ठीक है, लेट सीपी ऑफ अ डिनर, सीपी ऑफ आर डिनर, डिनर सेट कितने पीस मांगी, एक्स पीस मांगी, ठीक है कमा दिया हमने एक्स पीस मांगी, ठीक है उसके बाद प्रॉफिट कितना दिया हमने, प्रॉफिट दिया है 35%, ठीक है तो दिया कितना 35% ऑफ कितना दिया है, प्रॉफिट कितने रुपीस में दिया है, प्रॉफिट दिया है नेक्स्ट 280 रुपीस दिया है, ठीक है तो प्रॉफिट को ही निकालो 35% ऑफ एक्स का, लिखेंगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमें 35% ऑफ एक्स का निकालते हैं, तो ये अभी मत लिखो, ये बात लिख लेना, ठीक है ये लिखो, ये हो जाएगा प्रॉफिट 35% ऑफ एक्स, सॉल्व करो 35 अपॉन 100 इनटू एक्स, तो 5 × 7 = 5 × 2 = कितना आ गया 7x/20, इतने रुपीस का क्या हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है बेटा, और ये किसके बराबर दिया है 280 के बराबर दिया है, तो ये प्रॉफिट दिया कितना हमारे पास, प्रॉफिट हमारे पास दिया है 280, प्रॉफिट निकला कितना हमारे पास 7x/20 = 280, तो 7 × 7 = 7, 4 = कितना है 42x = 40 × 20, कितना है 800 आ गया, तो हम फिर कितने डिनर सेट कितने पीस का था 800 का, बहुत सस्ता था, हैंस सीपी ऑफ डिनर सेट कितना आ गया सेट रुपीज 800, यही हमारा आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ए पार्ट हो गया इसका, इसका ए पार्ट है, ये क्या हो गया ए पार्ट, बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या करना हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस का होता फॉर्मूला सीपी प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस का क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, तो सीपी कितना आ रहा है 800 और प्रॉफिट कितना 280, कितना आ गया 180 रुपीस आ गया, ये हमारा ठीक है, जल्दी सॉल्व कर लीजिए, हो गया आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लो, कर लिया क्या कर रहा हूँ,
नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ क्या दिया है, बी का फोर्थ, रोहित सेल्स हिज कार एट अ लॉस 6%। रोहित अपनी कार बेचता है, 6% को उसका क्या होता है, लॉस होता है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ, तो उसकी सेलिंग प्राइस निकालना है। इफ द कॉस्ट प्राइस ने खरीदी कितनी की गाड़ी, 1,84,000। अगर 1,84,000 उसने खरीदी है और उसने बेचने पर 6% का लॉस हुआ, तो उसने कितने रुपए में बेची है वो निकालना। ठीक है, लिख दो, दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ कार 1,84,000। ठीक है, 1,84,000। उसके बाद लॉस कितने का हुआ, उसने 6% हुआ। इसी में तो लॉस होता है अमाउंट में, पता ही आपको कितना होता है अमाउंट पे लॉस होता है। हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा अमाउंट पे निकालते हैं। ठीक है, तो इस सॉल्व कर दो, 6/100 × 1,84,000, 2 0 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये ₹11,040। 11,040 रुपीस हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने का। उसके बाद निकालना क्या है, सी एस पी निकालना ना, तो हमें पता है, हम जानते हैं लॉस इक्वल टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना जाएगा यहाँ पे, लॉस, ठीक है, प्लस सी पी, एस पी निकालना ना, लॉस क्या होता है, सी पी, प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी, लॉस होता है सीपी माइनस एस पी, हो गया। ठीक है, लॉस होता है सीपी माइनस एस पी, तो यहाँ से एस पी निकालेंगे तो आ जाएगा ये सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस। तो सीपी कितना आ गया पास, 1,84,000 माइनस लॉस कितना निकला हमारा, 1,104,000। सॉल्व करने पे ही कितना लॉस आया, एस पी आया हमारे पास। मैंने सॉल्व कर लिया था पहले क्वेश्चन, होगी कैलकुलेशन कहाँ तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके आ रहा 1729, 1729 60। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस आ गया इसका। ठीक है बेटा, समझ में आ गया वो अच्छे से, इसको माइनस कर देंगे तो 1729 60 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट है, देखिए सी का फर्स्ट, ये रफ कर दे रहा हूँ, का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, आ शॉपकीपर बोरोड, एक शॉपकीपर है दुकानदार को उधार लेता है 6,600 रुपीस फॉरन बैंक, एक बैंक से 6,600 रुपए उधार लेता है 8% सिंपल इंटरेस्ट, तो उसमें हर साल कितना इंटरेस्ट लगता है, 8% का इंटरेस्ट लगता है, 8% पे वो 6,600 रुपीस उधार लेता है बैंक से। हाउ मच डिड ही ओन टू द बैंक एट द एंड ऑफ 11 महीने, तो 11 महीने बाद वो रुपए क्या चुकाना है, तो 11 महीने बाद वो रुपए कितने देगा और विद ब्याज के साथ, विद इंटरेस्ट के साथ कितने रुपए देगा, मतलब जमा करेगा 11 महीने। तो सिंपल है, निकालो, देखो गिविंग प्रिंसिपल कितना दिया है, कितने रुपए दिया, 6,600। ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 8%। टाइम कितना दिया, 11 मंथ। हमें याद रखना बेटा, अगर ऐसा ही वाले क्वेश्चन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाले, तो हमेशा क्या है, टाइम ईयर में होना, ठीक है, मंथ है तो ईयर में बनाने के लिए 12, वन ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल आएगा ईयर। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने, मैंने आपको पहले बताया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT × 100। तो पी कितना है, 6,600, आर कितना है 8, टी कितना है 11, अपॉन 12 नीचे आ जाएगा × 100, 2 0 2 0 कैंसिल, अब पार्टी जब 4 3 4 2 3 1 8 2, अब सॉल्व कीजिए, 11 2 12 2 44 22 2 44 × 11 11 4 44 कैरी आया 4 11 2 44 4 48, तो हो गया 484, ये रुपीस हमारा क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट निकल आया, ऐसा ही निकल आया। हमें निकालना क्या है, उसने अमाउंट कितना, तो अमाउंट उसने दिया, तो हम जानते हैं अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई, तो पी कितना है,
6600 SI484 कितना आया हमारा सॉल्व करके, ये आ जाएगा 7084 7084। तो यही हमारा क्या होगा लास्ट में, वो क्या करेगा पेड करेगा 11 नंबर में, यही हमारा क्या होगा आंसर, यही क्या होगा हमारा आंसर। तो लिख देना लास्ट में हेंस करके, लास्ट में हेंस के लिख दूं क्या, कौन से क्या थे वो शॉपकीपर, ही पैड टू बैंक लिख दो, ही पैड टू बैंक कितने रुपीज करेगा 7084। ये हमारा ठीक है, आई होप इजी सवाल को कर लिया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन सेकंड बी का, सी का सेकंड क्वेश्चन, आ बैंक चार्जेस 2.25%, एक बैंक क्या सिंपल इंटरेस्ट कितना चार्ज लगाता है 2.25% लगाता है सिक्योर्ड लोन फॉर भी एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय है इसका तो अपने कितना लोन लगाता है 2.25% इंटरेस्ट लगाता है एम्प्लॉय का बैंक के। इफ एन एम्प्लॉय बोरो, अगर बैंक उधार लेता है मतलब बैंक से एम्प्लॉय उधार लेता है 6400 रुपीज फॉर अ पीरियड 2 ईयर, 2 साल 1 मंथ के लिए उधार लेता है 6400 रुपीज, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। तो ऐसा ही निकालना, सिंपल ऐसे ही करना सेम टू सेम, ठीक है। तो लिख देंगे पी कितना हो गया 6400, ठीक है, टाइम कितना दिया 2 ईयर 1 मंथ, इसको बेटा मैंने अभी क्या बताया था कि मंथ में दिया हो तो याद बनाना है, तो हो जाएगा 2 + 1/12, तो 20 + 24 + 1/12, तो 25/12, ये हमारे क्या आ गया ईयर आ गया, ईयर ये सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 2.25%, अब फॉर्मूला लगा लीजिए SI = PRT/100, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व अपने आप कर लेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मोनिका इन्वेस्ट 800 रुपीज इन्वेस्ट करती है एंड 6% उसको क्या करते हैं ब्याज मिलता है एंड 1200 at 7%, 1200 करती है तो 7% को ब्याज मिलता है, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट 1 ईयर, तो एक साल में उसने 1000 रुपये दिया तो उसे एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है वो निकालना है। तो सिंपल निकाल लो गिवन, ठीक है, P1 कितना दिया, पहले P1 मान लो 800, ठीक है, और R1 कितना दिया है 6%, और दूसरा P2 कितना दिया है 1200, R2 कितना दिया है 7%, तो टाइम निकालना, टाइम दोनों को कितना दिया 1 ईयर, तो T1 = T2 दोनों के लिए कितना टाइम दिया है, T1 T2 कितना दिया है 2, तो इधर टाइम मान लो T = T1 T2 = 2 ईयर, दोनों के लिए टाइम क्या है सेम है, ठीक है ना, दोनों का टाइम सेम दिया, तो टोटल इंटरेस्ट निकालना, तो टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इंटरेस्ट SI PRT P1 R1 T1 upon 100 + P2 R2 into T2 upon 100, तुम बैल लगा लो, ठीक है, T1 T2 दोनों को तीन मुझे मत देखो क्या है ना, तो जरूरत ही नहीं है। तो P1 कितना हो गया 800, R1 कितना है 6, T1 कितना 1 upon 100 + P2 कितना है, P2 भी सेम है 800, P2 है 1200, सॉरी N2 R2 कितना है 7 × 1/100, तो 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 8 4 48 + 7 4 12 7 84 कितना आ गया 8 4 12 132 रुपीस आ गया हमारा ऐसा, वो कितने रुपए मिलेंगे उसको पूरे इंटरेस्ट में, कितने रुपए देने थे 132 रुपए इसे ऑनलाइन मिलेंगे। तो लिख लो आंसर लास्ट में, व्हाट इज द हाई टोटल इंटरेस्ट ऑन दीज टू इन्वेस्टमेंट 1 ईयर, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया मिलेगा ही
लिखो हैंस मोनिका मोनिका विल हैव गेम लिखेंगे सॉरी मोनिका विल है मिल जाओ क्या अपने मोनिका विल है गेम इसका गेम करेगी 130 रुपीज 132 रुपीज इंटरेस्ट यहाँ लिखो इंटरेस्ट लिखेंगे मोनिका विल है गेम इंटरेस्ट 132 रुपीज ठीक है अपना यही हमारा जल्दी से नोट कर लीजिए यही हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर लास्ट फोर क्वेश्चन लास्ट और रह गया तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा देखिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए लास्ट क्वेश्चन फोर्थ सी का फोर्थ मिस्टर भाटिया इन्वेस्टेड 4000 रुपीज इन सोसाइटी एक सोसाइटी में हम 4000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं रेट कितना है 7.4% है आफ्टर 2 या 2 साल बाद द रेट वाज इंक्रीज 2 साल बाद बढ़ जाता है 7.6% पर एनम फाइंड द अमाउंट रिसीव एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स मतलब पहले 7 ईयर तक निकालना है अमाउंट कितना वो इन्वेस्ट करता है पहले उसने 5 साल इन्वेस्ट कितने किए 4000 रुपीज फिर 2 साल उसने और 2 साल और किए 7.6% पे तो अलग अलग रेट है निकालो उसमें फिर लिखेंगे लेट गिवन प्रिंसिपल कितना दिया है 4000 ठीक है टाइम टोटल टाइम कितना दिया है 7 मिनट मगर हमें अलग अलग निकालना है टाइम लिखेंगे R1 ये R1 क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 5 ईयर के निकालेंगे ठीक है तो 5 ईयर के कितना दिया है 7.14% तो 7 × 4 = 28 29/4% ठीक है उसके लिए अब इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा T1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 ईयर ठीक है बेटा नेक्स्ट R2 निकालेंगे दोबारा तो R2 क्या जाएगा रेट ऑफ आफ्टर लास्ट 2 ईयर तो टोटल कितना ईयर है हमारे पास टोटल 7 ईयर तो पहले 5 ईयर का दिया फिर 2 ईयर का दिया कितना दिया 7.6% ठीक है अब सॉल्व कर दीजिए आंसर निकाल लीजिए तो T2 कितना हो जाएगा इसके लिए 2 ईयर तो टोटल वही जिससे पहले फॉर्म लगाया था मैंने वही निकल गया सिंपल इंटरेस्ट का टोटल निकालना क्या है ये अमाउंट है जिससे अमाउंट निकालना है तो यहाँ से लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट निकालना पहले टोटल इंटरेस्ट एस आई वही पी आर टी P1 R1 T1 अपॉन P1 अमाउंट सभी के लिए सेम होगा तो इसी को P1 P2 बोल सकते हैं इसी को क्या बोल सकते हैं इसे P मान लो खाली बस ठीक है P R1 T1 × 100 + P R2 × T2 × 100 तो दोनों के प्रिंसिपल सेम है अब वैल्यू लगाओ P कितना 4000 आर कितना है पहले वाले लिए आर कितना दिया है 29 अपॉन 4 नीचे पहुंच जाएगा T1 कितना है पहले लिए 5 अपॉन 4 इंटू 100 2 0 2 0 कैंसिल 4 1 4 4 1 4 कितना है 10 सॉल्व कीजिए कितना आएगा 50 × 29 ठीक है प्लस इसको लगाओ प्रिंसिपल 4000 इंटू आर कितना है 7.6 इंटू T2 2/100 2 0 2 0 कैंसिल तो ये आया 50 × 29 ये 1 टाइम चल गया प्लस ये सॉल्व करने में मल्टीप्लाई करने में कितना जाएगा तो मैंने मल्टीप्लाई की थी बेटा तो ये आया था हमारा 828.400 ठीक है ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर आएगा अब इसके बाद देखो क्या करना जल्दी से रफ कर देना
इसके बाद देखो क्या करना है नेक्स्ट। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1 4 9 पंद्रह 45 पानी 10 10 4 45 45 आएगा 1 4 4 5 1 4 5 0 प्लस ये कितना आएगा 828.40 ऐड करने पे ये हो जाएगा हमारा कितना रुपीस आ गया 22,278.4 रुपीस हमारे पास क्या आ गया। सिंपल इंटरेस्ट निकल आया, अमाउंट निकालना है तो हम जानते हैं अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना दिया 4000 और एसआई कितना दिया 22,278.4। सॉल्व कीजिए कितना आया है 6,278.4। यही हमारा क्या हो गया आंसर। फिर हैंड से के लिए लास्ट में ही रिसीव आफ्टर 7 ईयर ही रिसीव आफ्टर 7 ईयर कितना अमाउंट रिसीव करेगा वो लिख लो इक्वल रुपीज 6,278.4। यही हमारा आंसर। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज के सब सम समझ में आ गए होंगे। क्यूमुलेटिव के एक एक सवाल कराया मैंने, सब कराया और पूरा चैप्टर 9 मैंने आज फिनिश कर दिया। कल चैप्टर में 10 स्टार्ट करूंगा। आप लोग सब अपना हाफ एनली का काम वर्क कंप्लीट कर लें, 10 के बाद में ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा। किसी कोई डाउट हो मुझे कमेंट करना, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।